एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि कोटा में कोचिंग करने गई शिवपुरी की एक लड़की का अपहरण हो गया है। इस बात का पता तब चला जब लड़की के पिता से किडनैपर ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके रुपए की मांग की और साथ में धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो लड़की का सर काट दिया जाएगा। लड़की की जो तस्वीरें भेजी गई थी उसमें उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, चेहरे पर खून भी लगा हुआ था। अपनी बच्ची की ऐसी तस्वीरें देखकर उसके माता पिता के होश उड़ गए। उसके बाद पुलिस में कम्प्लेन कराई गई और जांच भी शुरू हो गई। मामला तब और बढ़ गया जब इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई, क्योंकि मामला सिंधिया के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से फोन पर बात की। उसके बाद उन्होंने बच्ची के पिता से भी बात की और कहा कि बेटी को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ पुलिस भी अपना काम कर रही थी। उधर जब जांच शुरू हुई और उसमें जो खुलासा हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। उस 20 साल की लड़की ने खुद का अपहरण करके सबका ऐसा बेवकूफ बनाया कि हर कोई दंग रह गया। दरअसल मामले में झोल ये था कि लड़की कोटा में थी ही नहीं। पुलिस ने इस बारे में क्या कहा वो सुनिए, लेकिन पहले पूरा मामला क्या था वो बताते हैं। 3 अगस्त 2023 को लड़की की माँ उसे कोटा में छोड़कर शिवपुरी वापस चली गई। घर वाले बेफिक्र थे कि बच्ची कोटा में पढ़ाई कर रही है। लड़की माँ के जाने के बाद 3 दिन ही कोटा में रही। इसके बाद वो इंदौर चली गई और तब से ही लड़की वहीं रह रही थी। छात्रा इंदौर में अपने 2 दोस्तों के साथ थी। रोती के लिए जो तस्वीर भेजी गई थी वो लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ही भेजी थी। अब ये सब सुनने के बाद अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ये सब हुआ क्यों? तो इसका जवाब है कि विदेश जाने की ख्वाहिश। लड़की और उसके दोनों साथी विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये सब प्लान किया। लेकिन पुलिस के सामने तीनों फेल हो गए। अब पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए, माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त थे, उनमें से जो 1 दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। इंदौर में कोई ऐसी घटना होती है, हम कोई रिकॉर्ड भी है चीज रिकॉर्ड हमने अभी पता किया था किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बात FIR में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे FIR में उनका उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना। साथ ही आपको ये बता दें कि पिछले साल से ही लड़की का कोटा के किसी भी कोचिंग सेंटर में अनरोलमेंट हुआ ही नहीं था। घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कोचिंग और हॉस्टल की अटेंडेंस भी दूसरे नंबरों से खुद ही भेजती रही। पुलिस ने सूचना दी कि वो पूरी तरह से सेफ है, उसने प्लानिंग ना तो किसी के दबाव में की थी और ना ही उसके साथ कोई अपराध हुआ है। इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मैंने, मेरा नाम गायत्री चौहान है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। शुक्रिया।